बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में कौन सी जुबान होगी? सही जवाब है जुबाने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम यानी अरबी। वो कौन सी खुश नसीब उम्मत है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? सही जवाब है उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहे वालेही वसल्लम। वो कौन से नबी हैं जो सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत में दाखिल होंगे? सही जवाब है हमारे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वालेही वसल्लम। क्या आपको मालूम है कि हौजे कोसर का नाम हौजे कोसर क्यों हुआ? सही जवाब है क्योंकि उसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सबसे पहले जेरे नाफ बाल अल्लाह ताला के किस नबी ने काटे? सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले घोड़े पर अल्लाह ताला के कौन से नबी सवार हुए? सही जवाब है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब आपने कितने दिन तक देखा? सही जवाब है 3 दिन तक। जन्नत में सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से कौन सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? सही जवाब है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो। जन्नत में दाखिल होने वालों का कद जन्नत में कितना लंबा होगा? सही जवाब है 60 हाथ यानी 90 फुट होगा।